अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर दक्षिण में देखिए बूथ के अंदर फोन करने का आरोप लगाए कार्यकर्ताओं को, फोन कर वोट डलवाने का आरोप लग रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नोक झोंक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से हम दे रहे हैं। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में माहौल गर्मा गया है, तो पल पल की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच नोक झोंक हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तस्वीरों में यहां पर आरोप लगाया गया है, भड़काने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अजमेर से हम बता रहे हैं। तस्वीर देखिए, भीड़ मौके पर मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सच बधड़क पल पल की तस्वीरें और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले फिलहाल की लाइव तस्वीर सीधे अजमेर से, जहां पर देखिए नोक झोंक हुई, इसके साथ माहौल को गर्माने का आरोप लगा। तो आज लोकतंत्र का महापर्व है और सभी जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर कुछ ने बहिष्कार किया, तो किसी ने यहां पर उनका फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया, तो किसी का वोटर लिस्ट में नाम ही शामिल नहीं था। इस तरह खबरें लगातार सामने आई। लाइव तस्वीर सीधा आपको अजमेर से दिखा रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इस तस्वीरें सीधे आपको अजमेर से, देखिए भीड़ मौके पर मौजूद है, कई तरह के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। सौरभ, ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे हम देखिए बहिष्कार का बात का जिक्र कर लें या कि फेक वोट का बात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ था, इस तरीके से तो एक तरीके जो जनता होती है उसके मन में एक अलग ही सोच पैदा हो जाती है। सोच नहीं, हताशा पैदा हो जाती है जब एक वोटर वोट देने जाता है और वहां पर उसको पता चलता है कि पिछले 40 साल में जितने चुनाव हुए मैंने यहाँ पर वोट डाला और अब यहाँ से मेरा नाम कट जाता है। तमाम नवाचार किए गए इस बार निर्वाचन आयोग ने, कई नवाचार किए और वो कहीं ना कहीं प्रशंसनीय भी है, लेकिन जो ये कमी है जो हर बार देखी जाती है, इस कमी को कैसे दूर किया जाए और इसका जिम्मा किसका होना चाहिए, क्या मॉनिटरिंग की कमी थी? सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नवीन वैशम जो चुके हैं फोन लाइन पर, नवीन क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएं और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के जोगीगंज का मामला है, जहां पर विधायक अनिता बदेल पर जो बूथ के अंदर फोन ले जाकर और कार्यकर्ताओं से वोट डलवाने की अपील की जा रही थी, इसको लेकर जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया तो इसको लेकर आपस में दोनों की तीखी नोकझोंक हो गई। इसके बाद जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है द्रौपदी कोहली, वह भी वहां पर पहुंची और उन्होंने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की कि जब कैंडिडेट को या किसी को फोन ले जाने की अनुमति नहीं है तो ऐसे में निर्वाचन विभाग की टीम जो वहां मौजूद थी उन्होंने कैसे उन्हें फोन अंदर ले जाने दिया, और फोन पर जब वह बात कर रही थी और जब कार्यकर्ताओं को वोटर्स को लाने की अपील कर रही थी तो उस दौरान टोका जो नहीं किया का, यहाँ एम भी कहना है कि जो भाजपा के जो विधायक है और जो प्रत्याशी है अनिता बदेल, वह कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और वह हारती हुई नजर आ रही है, इसके चलते वह ऐसी हरकत कर रही है। जी, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या माहौल अब शांत हो चुका है? पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है। नवीन जी, आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद, हालांकि यहाँ वोटिंग रुकने जैसी है ऐसी स्थिति नहीं आई और जो निर्वाचन विभाग की टीम जो मौजूद थी उन्होंने समझाइश के बाद दोनों पक्षों को शांत करवा दिया और दोनों वहां से रवाना हो गए। जी, लेकिन नवीर किसी प्रत्याशी हो या कोई कैंडिडेट हो उसे फोन ले जाना अलाउ नहीं होता है अंदर, तो क्या ये बात उनको पता नहीं थी कि भाई फोन अंदर लेकर नहीं जाना है? जी, अगर ये बात करे कि पता नहीं होने की, तो वह 4 बार से विधायक है और 5वीं बार इस बार चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा तो कहीं संभव नहीं है कि उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं हो। जानकारी अवश्य ही होगी और अगर वह लेकर गई तो कहीं ना कहीं ये गलत भी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह ले जाकर और फोन लेकर गए वहां तक भी चल रही है।
चलिए शुक्रिया आपका नवीन जी।